हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में गुप्त नवरात्रि प्राचीन परंपराओं के मुताबिक पूजा पाठ के साथ संपन्न हो गए। हालांकि कोरोना महामारी के निवारण हेतु पूजा पाठ गुरु पूर्णिमा तक चलता रहेगा, जबकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के ये गुप्त नवरात्रि 22 जून से लेकर 30 जून तक मनाए गए। इन गुप्त नवरात्रों में जहां पर इस कोरोना की महामारी को लेकर मुख्य पुजारी राहुल शर्मा की अगुवाई में माता का पूजा पाठ आरती हवन यज्ञ चलता रहा, वहीं इस बार गुप्त नवरात्रों में श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों से महरूम रहना पड़ा। हालांकि इन गुप्त नवरात्रों में गर्मियों के सीजन के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुँचते थे। पूरा शहर ऊंचे जयकारों से गुंजन में होता रहता था, लेकिन इस बार पूरे बाजार बंद रहे और सन्नाटा पसरा रहा। चैत्र नवरात्रों के बाद इस बार गुप्त नवरात्र भी श्रद्धालुओं के बिना ही संपन्न हो गए, जिससे दुकानदारों को कारोबार के तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है। स्थानीय पुजारी सचिन शर्मा और राजेश शर्मा का कहना है कि इन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रों के दौरान स्थानीय पुजारी वर्ग ने पूजा पाठ करके माता रानी से दुआ मांगी कि जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो और श्रद्धालुओं को माता रानी स्वस्थ रखे, ताकि फिर से माता रानी के इस पावन नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़े। जबकि स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दुकानदारों को आशा थी कि गुप्त नवरात्रों तक सामान्य हालात हो जाएंगे, लेकिन फिर भी महामारी का प्रकोप जारी रहा और गुप्त नवरात्र भी इसी तरह निकल गए। जबकि कारोबारी तौर पर व्यापारियों का बुरा हाल है और उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाना काफी मुश्किल हो गया है। माता श्री नैना देवी जी के गुप्त नवरात्रे जो है वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो चुके हैं और माता के मंदिर में जैसे पहले पाठ पूजा होती थी वैसे पाठ पूजा हो रही है और वैसे भी पूजन हो रहा है। हम यही भक्ति माँ से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी भक्तों को दर्शन देने की कृपा करें, इस लॉकडाउन को ख़त्म करें, इस बीमारी को ख़त्म करें और लोगों की जो आस्था बनी हुई है उसको आस्था बनी रहे। मेरी यही मनोकामना है भक्ति माँ के चरणों में। तो बहुत सच्चे दरबार की जय। तो आज गुप्त नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं आषाढ़ के, आज संपन्न हुए। पूजा पाठ विधि विधान के साथ किए गए। पूर्व में ये पहले प्राचीन काल में गुप्त इसलिए कहे जाते थे क्योंकि इनमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि की जाती थी, लेकिन अब कालांतर में इनका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से मंदिर में यात्रियों का आना निषेध था, लेकिन जो पूजा पाठ पुजारियों ने किया कोरोना महामारी की शांति के लिए, वो अच्छे से शुभता से संपन्न हुआ। आज से गुप्त रात्रि भी समाप्त हुई।